अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप सब लोगों का उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे जी। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कौन कौन सी हैं और हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो कौन सी हैं जी, और इनके दरमियान जो प्लेटोज बनती हैं जी वो कौन कौन सी हैं जी, और इम्पॉर्टेंट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा जी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल भी होगा क्योंकि ये पास पेपर में बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई हैं जी। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है ना, वो एंडीज माउंटेन मानी जाती है। अब याद रखना है कि एंडीज माउंटेन आती कहाँ पे है, तो ये साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला जो है वो साउथ अमेरिका में है जी, और सेकंड जो है वो हिमालय है जी। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है ना वो इंडिया में है जी, अरावली के नाम से है जी। और इसी तरह याद रखिएगा कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज आ जाती है हिमालय, और यूराल माउंटेन जो है ना ये सेपरेट करती है एशिया को यूरोप से, ये रशिया में आती है जी। अब याद रखिएगा यूराल माउंटेन कहाँ पे है, रशिया में। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं पामीर प्लेटो को, ये दुनिया का छत माना जाता है जी। ये पामीर प्लेटो जो है ये मतलब है कि चाइना और ताजिकिस्तान के तकरीबन बॉर्डर पे जो है वो ये आती है। अब याद रखिएगा दुनिया की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है जी, और ये हिमालय में आती है। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट को सर किया गया था तो 1953 में एडमंड हेनरी ने किया था, लेकिन इसका नाम जो है ये माउंट एवरेस्ट वो कैसे पड़ा जी? अब याद रखिएगा कि इसका नाम जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट था जी, उसने 1841 में पहले सर्वे किया था, ये ब्रिटिशर है जी, और उसी के नाम से 1865 में इसका नाम पड़ गया था माउंट एवरेस्ट। ये ना माउंट एल्ब्रस आपको नजर आ रही है, ये आप याद रखिएगा कि कोई काफ के पहाड़ है जी, काकस माउंटेन उनके अंदर आती है, ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है जी। आपको पता है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर इसकी हाइट थी, तो माउंट एवरेस्ट यूरोप की हाईएस्ट पीक है, तो इसकी आपने याद रखिएगा 5642 है जी, 5642 इसकी मतलब है कि हाइट आती है जी। फिर अकनकगुआ माउंटेन, ये एंडीज माउंटेन में आपने याद रखिएगा कि ये साउथ अमेरिका की 6961 है जी, अकनकगुआ। इसी तरह माउंट कोसिस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया, बर्रेअज़म ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट पीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर आती है, 2230 मीटर इसकी हाइट है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक है ये प्लेटो है जी, सेउस्टा के नाम से सेउस्टा प्लेटो है जी, ये बेसिकली यूएस में आती है जी, एरिजोना और मैक्सिको के बॉर्डर पे। इफी प्लेटो जो है ना ये पीरू में आती है, पीरू आपको पता साउथ अमेरिका का कंट्री है जी। दक्कन प्लेटो इंडिया में है जी, ये जो है ना आप याद रखिएगा कि सेशन सेशन माउंटेन है जी, बेसिकली ये यूएस के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, चेयरमैन माउंटेन इंडिया में आती है जी, और एटलस माउंटेन मराकश में आती है। एटलस माउंटेन आ जाए तो मराकश और अल्जीरिया, ये आप याद रखिएगा कि कंचनजंगा ये एक हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है जी। अब याद रखिएगा 8586 मीटर इसकी हाइट है जी, और ये दुनिया की थर्ड हाईएस्ट है जी। पहले नंबर पे आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे केटू है जी 8611, और फिर तीसरे पे ये आती है जी, ये भी आपको याद रखना है हिमालय की है जी। और पाकिस्तान में हिमालय की हाईएस्ट पीक आती है नागा पर्वत, 8126 मीटर उसकी हाइट है जी। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक आपने याद रखेगा किलिमंजारो है, तंजानिया में आती है जी, 5895 मीटर उसकी हाइट है जी। और आपने याद रखेगा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला रॉकी माउंटेन है जी, और उसके अंदर एक हाईएस्ट पीक आती है माउंट मकैनले, इसको डिनाली पीक भी बोलते हैं, 6190 मीटर इसकी हाइट है। और ये मनसालू पीक ये भी हिमालय के अंदर आती है जी, ये भी एक हाईएस्ट अपना पीक है जी। इसी तरह याद रखिएगा कि वेंसन मसिफ के नाम से हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका आ जाए तो वेंसन मसिफ है जी, 4892 मीटर इसकी मतलब हाइट है जी।
फिर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन भी अंटार्कटिका में आ गई, ये माउंट नोवे ये नेपल इटली में आती है जी, इटली का शहर है नेपल वहां पे आती है जी। तो ये एक माउंटेन है पोंटस माउंटेन टर्की, पोंटस माउंटेन आ जाए तो ये आप याद रखिएगा के टर्की में आती है। तो ये थी जी माउंटेन रेंजर्स की कहानी जी, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को जो है कि पसंद आएगी जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ पूरी दुनिया के रिवर्स जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जी, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में। थैंक यू।